हमारे साथ राकेश इस वक्त जुड़ चुके हैं नांगलोई से। राकेश, वहां क्या स्थिति है? लाल किले से जो तस्वीरें आ रही है, निश्चित तौर पर देश के इतिहास में, देश की गरिमा के लिए ये बेहद शर्मनाक मौका है कि जब देश का किसान ही यूं इस तरह से लाल किले पर कब्जा कर ले और वहां पर एक धार्मिक प्रतीक चिन्ह जो है वो लगा दे देश के तिरंगे की जगह। राकेश, वहां पर क्या स्थिति है बताएं। बिना उससे पहले मैं आपको दिखा दूं, एक मिनट रुकिए, एक मिनट। यहाँ पर पुलिस ने बल प्रयोग किया है, फोर्सेस ने बल प्रयोग किया है, यहाँ पर लोगों को चोट भी आई है। आपको कहते वहां से, मुझे कह रहे थे वहां से वहां निकल जाओ, मैं कहा नहीं, मैं अपने अपने भाइयों के पास जाऊंगा। कहते मुझे पट्टी के वाले, मैं कहा मुझे नहीं करानी, मुझे इसकी 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 सजा मिली है, मैं शांति जाता था। मुझे इसकी सजा मिली है, मैं शांति जाता था। मैं नहीं चाहता था आपस में जवानों के साथ भिड़े, फिर भी उन्होंने मुझे मारा। पूछो जरा कौन है वो लाल किले जो गए, वो इनके भाई नहीं है? तो कहते हैं ना किसान यूनियन, किसान एकता जिंदाबाद, बल प्रयोग किया है। संयुक्त मोर्चा कहाँ है अब? उससे पहले मैं तस्वीरें, यहाँ पर फोर्सेस ने बल प्रयोग किया है, बल प्रयोग किया है पिनाल, भीड़ को तितर बितर करने के लिए आंसू गैस के गोले छोड़े हैं। और मैं एक बार फिर पीछे से आकर आपको तस्वीरें दिखाता हूँ। आमिर लगातार मेरे साथ है, यहाँ पर मौजूद है। अभी थोड़ी देर पहले यहाँ पर जंग जैसी स्थिति हो गई थी और यहाँ पर कम से कम 15 से 20 राउंड फायर किए थे फोर्सेस ने फायर किए थे। अरे आपकी तो बात कही ना हम लोगों ने, आपकी तो बात दिखाई ना, शुरुआत आपसे की। आप हमसे क्यों उलझ रहे हैं? आपने जो बोला बोलिए, आप हमसे क्यों उलझ रहे हैं? आपकी बात हमने सबसे पहले दिखाया, आपको जिसको चोट लगी है सबसे पहले दिखाया, बिल्कुल दिखाया आपने। नहीं, ये कोई तरीका नहीं है ना, ये कोई तरीका नहीं। अरे आप तो आपको भी सुना रहे हैं, उनको भी सुना रहे हैं, आपको भी दिखा रहे हैं, उनको भी दिखा रहे हैं, ये कोई तरीका नहीं होता। नहीं नहीं, आपके हमारे आदमियों का जिक्र लिखा, आपको भी दिखा रहे हैं, उनको भी दिखा रहे हैं, हमको दोनों दिखा रहे हैं ना गुरु, हम तो दोनों दिखा रहे हैं, हम एक आदमी को थोड़े नहीं दिखा रहे हैं। बहुत अच्छे, पहले हिंसा करो और जब वो आपसे सवाल पूछे तो आप मीडिया को भी निशाना बना लो। लाल किले पर आपने रुमानुल्लाह खान और हरीश को निशाना बनाया और आप नांगलोई में राकेश को और सईद आमिर हुसैन को निशाना बना रहे हैं। ये किस तरह के किसान हैं जो मीडिया उनके साथ पूरे 60 दिन खड़ा रहा, बार बार कहता रहा कि देश के अन्नदाता की आवाज उपरानों तक पहुंचनी चाहिए। वहां पर नांगलोई बॉर्डर पर किस तरह से किसानों ने राकेश पांडे न्यूज नेशन के संवाददाता के साथ बदतमीजी की है, किस तरह से धक्का मुक्की की है नांगलोई में, ये सवाल सिर्फ इतना था कि राकेश ने उनसे कुछ तीखे सवाल पूछे कि जो हिंसा हो रही है, जो उपद्रव हो रहा है, उसके लिए जिम्मेदार कौन है। राकेश ने साथ साथ ये भी बताया कि पुलिस बल का प्रयोग हुआ है, वो इन्हें बर्दाश्त नहीं था। देखिए वहां पर कितने मुश्किल परिस्थितियों में न्यूज नेशन की टीम रिपोर्टिंग कर रही है, आप तक खबर पहुंचा रही है। जो पुलिस कर रही है वो भी दिखा रहे हैं, हम तो दोनों का दिखा रहे हैं यार, ऐसे थोड़ी नहीं होता है। हमारा एक आदमी लगा दिया उसने, अभी दिखाया लगाओगे तुम? अरे हमारा एक आदमी उस गुंड के पास है, अब वही जा रहे हैं। क्या बनेगा देश में ये भी किसान तय कर लेंगे, मीडिया क्या दिखाएगा, कैसे बोलेगा ये भी किसान तय करेंगे, और अगर उनके मन मुताबिक नहीं बोलेगा तो किसान न्यूज नेशन के संवाददाताओं पर हमला करेंगे, उनके साथ धक्का मुक्की करेंगे और उन्हें कहेंगे ये नहीं वो दिखाइए। तो सवाल सीधा सीधा है कि ये किसान किस तरह से सिर्फ अपने मन की चला रहे हैं।